हिमाचल प्रदेश की राजधानी के संजौली में मस्जिद विवाद में भड़की चिंगारी दूसरे शहरों में तेजी से फैल रही है। संजौली और मंडी के बाद अब हिमाचल में बंद का आह्वान किया गया है और जिसके बाद कई घंटों तक हिमाचल प्रदेश के बाजारों को बंद रखा गया। हिंदू संगठनों ने संजौली में मस्जिद विवाद में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला आदि कई स्थानों पर प्रदर्शन किया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर की तस्वीरें हैं। पालमपुर में इस तरीके से प्रदर्शन किया गया, लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं और वहीं बाजार बंद का आह्वान भी किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और अब हम आपको शिमला की तस्वीरें दिखाएंगे। शिमला में किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है आप देख सकते हैं। जो ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर फिलहाल चल रही है शिमला से तस्वीरें हैं। शिमला के अंदर भी जो अवैध मस्जिद का मामला है तोल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सभी दुकानें बंद नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों के अंदर बाजार बंद का आह्वान किया गया है और लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं प्रदर्शन करते हुए कि संजौली से भड़की चिंगारी अब दूसरे दूसरे स्थानों पर भी देखने को मिल रही है। शिमला से तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप शिमला में तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से लोग अब रोडों पर उतर आए हैं अवैध मस्जिद के विरोध में। लगातार हम अलग अलग जगहों से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी शिमला की तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं शिमला के किस तरीके के अभी हालात बने हुए हैं। हिमाचल में बंद का आह्वान किया गया है और शिमला में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं लोग। और वहीं अब आपको अब चंबा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं चंबा में सभी दुकानें बंद नजर आ रही है, बंद का आह्वान किया गया था। और वहीं ये पूरा मामला संजौली में जो भड़की अवैध मस्जिद को लेकर है, अलग अलग जगह पर सभी जगहों पर बंद का आह्वान किया गया है, सभी दुकानें बंद नजर आ रही है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के अंदर सभी दुकानें बंद है, एक भी दुकान खुली हुई नजर नहीं आ रही है। हिमाचल में लगातार सभी दुकानें बंद नजर आ रही है। अभी चंबा से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, चंबा से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अलग अलग जगह से खबरें अभी तक आप तक तस्वीरें पहुंचा रहा है, आप तक हाल बता रहा है क्या हाल बने हुए हैं अभी हिमाचल प्रदेश में। अभी फिलहाल चंबा की तस्वीरें आप देख सकते हैं और अब आपको कुल्लू की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप कुल्लू में देख सकते हैं किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। ये कुल्लू की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम लोग इन तस्वीरों के अंदर नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं झंडे लिए हुए नजर आ रहे हैं, जय माता की करके उनके हाथों में झंडे नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, हाथ में होर्डिंग भी नजर आ रहे हैं। तमाम लोग इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, अलग अलग जगह पर ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है प्रदर्शन की। लगातार लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब कुल्लू की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अब छह तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कुल्लू की भी, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, चंबा, पालमपुर, छह तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं कुल्लू की बात करें तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में एक भी दुकान खुली हुई नजर नहीं आ रही है, सभी दुकानें बंद नजर आ रही है। और वहीं बिलासपुर की बात करेंगे, बिलासपुर में भी सभी दुकानें बंद हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है। हमीरपुर में भी लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, दुकानें बंद हैं। ऊना में भी सभी दुकानें बंद नजर आ रही है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बंद बुलाया गया है, बाजार सभी बंद नजर आ रहे हैं। चंबा से भी आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं, आप चंबा में भी हाल देख सकते हैं किस तरीके से सभी दुकानें बंद नजर आ रही है। हिमाचल बाजारों का जो बंद बुलाया गया है उसको देखते हुए अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आ रही है, सभी दुकानें बंद नजर आ रही हैं। आप पालमपुर से भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से प्रदर्शन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं और वहीं दुकानें बंद नजर आ रही हैं। एक स्टैंड है कि अवैध है वो टूटना चाहिए, जो भी अवैध है टूटना चाहिए। दूसरा हमारा एक और है कि हमारे हर जगह जो है फड़ी वाले और बहुत से बाहर के लोग आ रहे हैं और बिना वेरिफिकेशन के। हमीरपुर में मेरे को लगता है 90% जो लोग हैं बिना वेरिफिकेशन के रह रहे हैं। तो हमारा बिल्कुल सख्त वो है कि बिना वेरिफिकेशन के यहाँ कोई नहीं होना चाहिए। हमने SP को भी इनकी इंटीमेशन दे रखी है, म्यूनसिपल कमेटी को भी इंटीमेशन दे रखी है, सदर थाना में भी इंटीमेशन दे रखी है कि आप इस पर कार्रवाई करें। अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो व्यापार मंडल उठ के खुद कार्रवाई करेगा। सरकारों के इस पर मतलब रिपोर्टें भी आ चुकी हैं कि ये गलत हुआ है, पर अवैध हुआ है और इस पर कोई भी चाहे सरकार या प्रशासन कड़ी कार्रवाई करने से पीछे हट रहे हैं। तो आज हिंदू महासभा, सनातन धर्म सभा और विश्व हिंदू परिषद
और हमारे रामलीला कल्याण परिषद, हाँ युवा हिंदू कल्याण परिषद, रामलीला कमेटी और सभी जो सामाजिक अध्यात्मिक व्यापार मंडल, सभी मिलकर आज प्रशासन से और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस पर जो दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।